गाइज आज तो सुबह सुबह ही लफड़ा हो गया मैंने ओला की और फ़ोन करना भूल गए, वो निकला ही नहीं था। कारण इसके पीछे ये था कि जो ओला जिस अकाउंट से मैंने की थी वो मेरे फ्रेंड का नंबर दे रखे हैं मैंने और मुझे ध्यान ही नहीं था। उसके बाद बाहर आके वेट कर रहे हैं, वो निकल ही नहीं रहा था वहाँ से। फ़ोन किया कि भाई कहाँ हो, तो बोला कि सर आपने, मैंने फ़ोन किया तो आपने बुकिंग ही नहीं की थी। फिर दिमाग में आया कि यार कैसे होगा आप भी, लेकिन उसने जो है टाइम से मुझे जो 5 मिनट पहले पहुंचा दिया, अच्छा किया गाड़ी भगा के। लेकिन अगर ये गाड़ी छूटती ना तो मुझे फिर CST जाना पड़ता, फिर वहाँ से पनवेल आना पड़ता, तो 2 घंटे की जर्नी मेरी बढ़ जाती। लेकिन अभी जो है पनवेल की डायरेक्ट गाड़ी है यहाँ से, तो ठीक है पनवेल पहुँच जाएंगे 3 घंटे में। अगर CST से जाना होता तो 4 घंटे CST के लगते, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा पनवेल का लगता, 5.5 घंटे की जर्नी हो जाती। हर रेस्ट में मैं जो है पनवेल में ही रहता था या कुछ और एक्टिविटी करता था। फैमिली मेम्बर्स के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, स्पेशली छोटा बच्चा था मानव, उसके साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। और आपको लगता ही नहीं है जब आप फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं तो आप बाहर काम कर रहे हैं या फिर आपको घर गए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी घर जाके आया हूँ और अभी 6-7 दिन जो है मेरे को वापस से जॉब करनी है। हर रेस्ट में अभी आना पॉसिबल नहीं है। अभी जो नाइट का मुझे रेस्ट मिला था वो 56 आवर्स का मिला था, क्योंकि काफ़ी लंबा रहता है नाइट शिफ्ट के बाद। तो अभी जो मेरी नाइट शिफ्ट है वो 10 दिन बाद आएगी और 15 दिन के बाद फिर से 56 आवर्स का रेस्ट मिलेगा मेरे को। तो 56 आवर्स के रेस्ट में आते हैं तो आपको टाइम स्पेंड करने को ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वही 30 आवर्स के रेस्ट में अगर मैं आता हूँ तो आने जाने में टाइम लग जाता है और आप उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जितना कि 56 आवर्स के में टाइम में किया है। खैर अभी अगली बार आएंगे जब छोटे भैया भी आएंगे वहाँ से, तो उसके साथ जो है यहाँ वापस आऊँगा। चलो अभी ट्रेन आने वाली है तो चलते हैं पनवेल, और शाम को जो है मुझे ड्यूटी भी जाना है।
9 बजे हैं और सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर पुणे से पनवेल। सही है यार, पनवेल के लिए डायरेक्ट गाड़ी थी तो 2.5 घंटे में पहुंच गया। अगर वो गाड़ी नहीं मिलती तो सीधे 5 घंटे जाने थे मेरे। लोनावला में से जब गाड़ी निकली और करजत तक मैं 1 मिनट के लिए अंदर नहीं बैठा। बहुत शानदार शानदार व्यूज़ देखने को मिलते हैं घाट में। अभी सुबह सुबह जो नाश्ता नहीं कर पाया था और बहुत तेज़ भूख लग रही है, थोड़ा बाहर से नाश्ता करके फ्लाइट पे जाऊंगा और शाम को जो है मुझे जाना है ड्यूटी। उसके लिए 1:30 या 2 बजे के आसपास निकलूँगा। आज इवनिंग शिफ्ट है मेरी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।